Very good evening, friends. <clears throat> Hello, Minakshi. Hello Savitri. Very good evening, all of you. Welcome back. We are again here with a very fantastic topic, and we are going to talk about this. Hello, very good evening, all of you. This is a very important topic, and this is all about the Phillips curve uh, part one. So this will be done in part one and part two. How are you all? Hello, Ravi. Anything that you would like to talk about? How are you guys? So <clears throat> in the session what we are going to talk today is basically all about that All of us know that phillips curve kisne the aw phillips name, right? We this was given by aw phillips Now we know that this is

फिलिप्स कर्फ फेल्ड सो आई एम राइटिंग पीसी सो फिलिप्स किकॉज उस टाइम पे स्टैकुलेशन हो गया बिकॉज एज पर अगर गवर्नमेंट इज पुटिंग मोर एक्टिव रोल सो कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा बट दिस इज अ टाइम वेन इन्फ्लेशन वॉज ऑल्सो देयर ग्रोथ ऑफ आउटपुट वॉज ऑल्सो नॉट देयर सो आउटपुट ग्रोथ वॉज स्टैगनेट वेयर एज इन्फ्लेशन वॉज राइजिंग सो फिलिप्स का फेल्ड बेसिकली इंडिकेट्स की केंशियन इकोनॉमिक्स फेल हो गया था यहां पर so then monetarist, that is basically milton friedman and edward phelps, they came, and that is what the freedman, friedman and phelps, they came, and they justified this point, uninekaji, philips curve, short-run, wo alag hai long-run, so short-run, philips curve, and long-run, Phillips curve, they came up with the concept of these two things. they also came up with the concept of, Nairu and natural rate of unemployment. So these two concepts Milton Friedman or monetarist him. The third version of Phillips curve was given by rational expectations. Rational expectations. Rational expectation basically John Mood, so who has given this in 1961.

So, ये जो कॉन्सेप्ट है जितने भी टर्म्स मैंने बात की है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये यूजी नेट में हमेशा पूछे जाते हैं सो लेट्स क्विकली लर्न देम एंड लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड देम ईच बाय वन ऑफ देम। वट यू से ऑल ऑफ यू रेडी हे वेटिंग फॉर मोर डेप्टिव एक्सपेक्टेशन शॉर्ट रन में होता है रैशनल एक्सपेक्टेशन लॉन्ग रन में होता है मोटा मोटा ठीक है थोड़ा बहुत गलत भी है स्नेताइट इट इज रॉन्ग ओके सो हाउ मेनी ऑफ यू लेट मी नो फर्स्ट कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि तीन वर्जन है क्योंकि बहुत केसेस में बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं कि तीन केसेस है कि नहीं है सो ए डब्ल्यू फिलिप्स का एक शॉर्ट रन का फिलिप्स कौन कर्व है

सो so, यहां पे आई हैव द इन्फ्लेशन यहां पे आई हैव द अनएम्प्लॉयमेंट राइट एंड दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप दिस इंडिकेट्स कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा सो एज यू कैन सी इन्फ्लेशन पाई वन था पाई टू तो, पाई जीरो हो गया और यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए पहले टू परसेंट था नाउ इट हैज मूव टू फोर परसेंटेज सो एज इन्फ्लेशन राइजेस अनएम्प्लॉयमेंट

दिस इज वॉट द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जैसे हमारे देश में पांच साल की हम लोग एनुअल प्लान करते हैं वैसे ही अमेरिका में जब वो एनुअल प्लान करते थे मतलब तो फाइव ईयर प्लान हमारा होता है वहां पर एनुअल प्लान जब होता था तो अभी का कितना अनएम्प्लॉयमेंट है फोर परसेंट चलो ठीक है हमें दो परसेंट टारगेट लेके चलना है अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है गवर्नमेंट ये सोचती है तो अगर दो परसेंट करना है तो वट इज माई इन्फ्लेशन लेवल पाई वन पाई वन ठीक है पाई वन हम इन्फ्लेशन मैच करेंगे ज वॉट द पॉलिसी टारगेट वॉज बट स्टैकुलशन की वजह से दैट इज अल्ड सेपरेट स्टोरी तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूबीडियो में बोला हुआ है कि हाउ के इंशियन इकोनॉमिक्ड सो नाउ फिलिप्स की वजह से फेल हुआ सो बिकॉज ऑफ स्टैग्नेशन स्टेकुलेशन सॉरी बिकॉज ऑफ स्टैकुलेशन फिलिप्स का फेल्ड एंड उसके बाद नया वर्जन आया दैट वॉज गिवन बाय मोनिटरिस्ट तो मोनिटरिस्ट ने कहा दैट इज बेसिकली मिल्टन फ्रीडमेन एंड एडवर्ड फल्स उन्होंने कहा कि शॉर्ट रन का तो ठीक है जो फिलिप्स ने कहा हम मान लेते हैं सो दे मेंशन लाइक दिस दिस इज माय शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बट दिस इज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बट इन द लॉन्ग रन गवर्नमेंट कैन नॉट बिफुल पीपल गवर्नमेंट लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते बिकॉज समथिंग इज कॉल्ड एज अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन वॉट इज दैट एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन So, as soon as लोगों को पता चलेगा कि यह क्या हुआ है पिछले साल भी ऐसा हुआ था अभी भी ऐसा हो रहा है देन दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल रिवाइज देअर एक्सपेक्टेशन और ऐसे करते करते वी विल रीच कराइक दिस लॉन्ग रन फिलिप्स कव जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा आपको सिखाऊंगा ये कैसे होता है एंड दिस गोज लाइक दिस सो ये सारे के सारे शॉर्ट रन फिलिप्स कव है दिस इज माई थ्री फिलिप्स कव शॉर्ट रन फिलिप्स कव टू

राइट right. अब इसके आगे एक और वर्जन आता है दैट इज बीइंग बाय प्रोमोटेड बाय रैशनल एक्सपेक्टेशन अब उनका देखिए मुझे यकीन है बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये देखा नहीं होगा सो so, ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं एंड इन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ना शॉर्ट रन में ना लॉन्ग रन में कोई रिलेशनशिप नहीं होता सो so, इनका शॉर्ट रन भी ऐसा ही होता है और इनका लॉन्ग रन भी ऐसा ही होता है हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग अबाउट दिस लेट मी नो इज इज अव एडिशन फॉर ऑल ऑफ यू किसी को पता था इसके बारे में लेट मी नो आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड नाउ आई एम लुकिंग एट द चैट आई वॉज नॉट लुकिंग एट द चैट हेलो प्रियंका हेलो सुरभि मनीष Okay, nobody was knowing about this. Good to see. So now I can give you more information on this. Ravi, you must be knowing this. Minakshi, knew. Okay, great. So we all know about this now. So this is the question jiske upar, question. New knowledge, new, new, new time. Okay, new one. This is the question on UGC net ne last char question papers. May they have asked this approximately four times. So I can say. इस कॉन्सेप्ट के बिना यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स का पेपर इज इनकम्प्लीट सो प्लीज ऑल ऑफ यू फोकस नाउ दिस 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 इज इज द दैट आई एम गिविंग यू प्लीज टेक अ ऑफ एंड शेयर कीजिए और अपने पास अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लीजिए इसको दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट राइट सो इस पर्टिकुलर में क्योंकि सिंस यू कैन सी दिस इज द पार्ट वन इज अ पार्ट वन सो आई एम गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट दिस एंड इन अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू I will be talking about the rational expectation. I will be laying a comparative view between adaptive and rational expectation. दोनों के बीच में क्या फर्क था कैसे हुआ क्या problem था तो जानने के लिए मुझे next video में जरूर join कीजिएगा इस वीडियो में सिर्फ मैं इस, इस सेशन में आई एम बेसिकली टॉक अबाउट ओनली अबाउट द फिलिप्स कर्व एंड द monetarist फिलिप्स कर्व राइट सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पे लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट इट गेट्स हाईलाइटेड यहां पे हम लोगों ने बात किया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और नॉन एसिलेशन नायरू राइट नॉन एसिलेशन इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है मॉनिटरिस ने दिए थे ओके सो नाउ लेट मी पुट सम पॉइंट एंड लेट्स हैव अम ब्रेन स्टॉमिंग सेशन सो मैं कुछ पॉइंट डाल रहा हूं यहां पर ए बी सी डी ई एंड एफ Anyone who can let me know, this is an open challenge to all the people. Anyone who can let me know what is NRU? Which is my NRU here? This is my unemployment. Open challenge to all of you. Who can let me know what is A? Which point is Which point is natural rate of employment here? Spot out. This is what the uh, simple question I've asked you. Spot. NRU consa hai? Which, which point? And Nairu consa point hai. Spot out. So you have the names now. All of you now let me know. Sabhi okay. I got the first answer from Survi. <coughs> okay, Ravi is saying C. Anyone else? Here on YouTube. इज प्लीज पार्टिसिपेट मजा तभी आएगा जब अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो मेरा भी पढ़ाने का बहुत अच्छा मन करेगा अदरवाइज इफ यू आर यू नो स्लग डोंट बी लाइक अ डोंट बी लाइक अ एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट बहुत लेजी है मार्जिनल कॉस्ट की तरह रही है सभी के सभी हु कैन आंसर माई क्वेश्चन ओके हर्षवर्धन इज से बी ओके गुड एनी वन एल्स मनीष इज से

बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नायरू कहां पे है और एनआरयू कहां पे है इसके बारे में मैं अभी से नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद बताऊंगा आपको कि कहां मिलेगा राइट सो स्टे ट्यून एंड लेट स्टार्ट विद दिस सेगमेंट सो दिस इज ऑल अबाउट द फिलिप्स कप वैसे गुड टू सी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेट एंड ऑल ऑफ यू आर नाउ यू नो एक्टिंग लाइक अ मार्जिनल कॉस्ट डोंट बी लाइक एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट बहुत लेजी होता है So, we it's that it rises sluggishly, it falls you know, sluggishly, average marginal cost is always spontaneous. Okay, so this is Phillips curve, a very brief background of this. So, this is, was given by A.W. Phillips and this is the relationship, this was the article name. The relationship between the unemployment and the rate of change of money wages in the इटेड किंगडम सो बेसिकली जब ओरिजिनल फिलिप्स कब आया था दैट वॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजेस में क्या है वट वी आर लर्निंग इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन सो उस टाइम पे चेंज इन द मनी वेजेस मनी वेजेस मतलब की पैसा जो आपको मिलता है बेसिकली सो बट नाउ दिस इज अबाउट बिकॉज सैलरी डिफाइन द इनफ्लेशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यू कैन जस्ट रीड दिस पार्ट जो भी मैंने आपको बताया वो इसके ऊपर ही है एक और छोटी सी डिबेट थी यहाँ पे कि फिलिप्स कप का नाम फिलिप्स कप क्यों पड़ा Right, so there was <coughs> Irwin Fisher who was the first person to come up with the actual Phillips curve in 1926. I believe, again, many people don't know about this. So, in 1926, Phillips curve, se bhi pehle, right? So, there was Irwin Fisher who came up with the actual Phillips curve that was uh, basically the unemployment rate and inflation rate, which was basically uh, spoken by uh, Gordon and Ackley, George Ackley. इन ने बोला था ये तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिलिप्स कर्व का नाम हटा के फिशर कर्व कर देना चाहिए था बट एनी दिसबेट एनी मोर सो नाउड टू आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द इन्फ्लेशन रेट एंड दिस इज द ऑन द हॉरिजोटल एक्सेस वी हैव द अनएम्प्लॉयमेंट रेट सो जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा यू कैन सी दैट सो सपोज माई इन्फ्लेशन इज अ थ्री परसेंटेज वट इज माई अनएम्प्लॉयमेंट इट इज फोर सो इफ माई इन्फ्लेशन इज थ्री परसेंटेज माई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फोर राइट उसके बाद जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूं सपोज टू परसेंट माई इन्फ्लेशन गोज अप टू फाइव परसेंट राइट और अनएम्प्लॉयमेंट गोज अपू फाइव परसेंटेज सो वट इज द मीनिंग ऑफ दिस सो मीनिंग इज इन्फ्लेशन फॉल्स अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस बाय द वे हुन लेट मी नो हुन लेट मी नो ये क्या चेन क्या है

अब यहां से मुझे देखना है वॉट इज द लिंक कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा एनी वन हु कैन गिव मी द फर्स्ट डॉट द फर्स्ट डॉट डिड यू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड वट एम ट्राइंग टू से इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो अनएंप्लॉयमेंट तक कैसे चीजें आएंगी कैन यू लिंक इट अप लेट मी सी आउटपुट इंक्रीज ओके Try more, you are on the right track, how, how, if inflation is there Savitri how inflation if inflation is there then why there will be higher wages, think of it, very good, very good Devyani, you I think very good fantastic, Devyani has cracked the first step, so when there is an inflation, why there is inflation because people have more money, Right. आउटकम इज एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटरगेट सप्लाई राइट सो देर इज इंफ्लेशन इंफ्लेशन क्यों है जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तभी तो इन्फ्लेशन होगा तभी तो प्राइसिस बढ़ेंगी सो so, प्राइसिस बढ़ गई राइट सो वॉट विल हैपन दिस इज गोइंग टू ट्रिकर और इंफॉर्मेशन और पास द इन्फॉर्मेशन टू द सप्लायर की एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है प्राइसेज हाई है सो so, इसका मतलब हुआ एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई प्राइसिस जब हाई होती है द क्वांटिटी सप्लाई शुड इंक्रीज सो यानी कि अब क्या होगा सप्लायर्स ट्राई टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन एक्सपैंड द प्रोडक्शन एक्सपैंड प्रोडक्शन सो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कैसे होगा कैसे होगा दे विल स्टार्ट हायरिंग न्यू लेबर स्टार्ट हायरिंग न्यू लेबर सो जब न्यू लेबर लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट so, कम हुआ दिस इज वॉट द पॉइंट इज नो इट्स नॉट अबाउट सैलरी और नॉट बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट इज प्राइस इन प्राइस, प्राइस राइज एंड एग्रीगेट डिमांड इज ऑलरेडी मोर एग्रीगेट सप्लाई लेस सिंस डिमांड इज मोर दिस इंफॉर्मेशन टू दप्लायर दॉ सप्लाई इज देयर इन इंक्रीज दप्लाई इन एक्सपैंड प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेबर ज्यादा लिया जाएगा लेबर ज्यादा लिया जाएगा तो यानी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी वेरी गुड नो प्रॉफिटेबिलिटी कहीं नहीं जाना वेज इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां पर नो इट्स नॉट अबाउट वेज इज इट्स इट नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट दिस इज सिंपल लिंक प्राइसिस जब बड़े एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी इसलिए बड़ा लॉ ऑफ सप्लाई इन्फॉर्मेशन आया सप्लायर्स ने स्टार्ट प्रोडक्शन ज्यादा एंड दैट इज हाउ द लेबर आर टेकन मोर एनी डाउट है प्लीज लेट मी नो आर वी थ्रू राइट सो दिस इज वॉट द

उटपुट इज इकल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट इसलिए यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है राइट right? फिर भी अगर समझ नहीं आए तो मैं उनको बोलता हूं कि देखो एग्रीकेट डिमांड इज इकल टू सी प्लस आई प्लस जी ब्ला ठीक है सो तो सी का मतलब क्या है सी बार प्लस स्मॉल सी वाई राइट आई प्लस जी सो एग्रीगेट डिमांड इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम इसीलिए ऊपर जा रहा है बट यहाँ पे क्या है यहाँ तो प्राइस के साथ है इसलिए नेगेटिव रिलेशनशिप है राइट सो डोंट गेट कंफ्यूज इन सब चीजों के चक्कर में सो दिस इज द प्राइस एंड द रियल जी डी पी एग्रीगेट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक आर माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड और दिस इज़ द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहां पे दिस पोर्शन ये जो वर्टिकल uh, पोर्शन है दिस बिलोंग्स टू द क्लासिकल रेंज क्लासिकल रेंज बिकॉज क्लासिकल्स ने कहा था इन द लॉन्ग रन सप्लाई इज इज वर्टिकल दिस इज द This is the uh, range that belongs to the Keynesian region because Keynes ne kya kaha tha? in the aggregate supply in the short run because this is a short run case, so this is a short run aggregate supply curve. So the flat portion is because of Keynesian part. And this portion, hai. let me change the color so that it becomes very prominent. Uh, okay, red, I, I'm, I'm going for red color now. So this is the portion that belongs to the monetarist. मोनिट्रिस्ट जो कि क्लासिकल्स के ज्यादा इंफ्लुएंस थे दे मेंशन दैट दिस इज व्हाट इट इज द मोनिट्रिस्ट व्यू एंड दिस इज द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ इंटरमीडिएट रेंज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, राइट ओके ग्रेट नाउ अब यहां पे देखते हैं देर आर टू सिचुएशन सो वी आर नाउ गोइंग टू इवेल्युएट द केस ऑफ फिलिप्स कर्व इन बोथ द सिचुएशन So, number one situation is Keynesian economics. And the number two is the classical part. So, classical kaha tha? that is, the economy is always at the full employment level. So, this is the case of full employment. So, we are testing flip's curve in both the ranges, and this is not at full employment because Keynes ne kabhi nahi kaha ki economy will always be at the full employment, right?

So same part, just okay. Now I will just write it here. Let me first write this for. This is a very good addition to your knowledge. Okay, so let me just write this Keynesian part once more. So the prices are high, is come aggregate demand is greater than aggregate supply. This implies, this implies that <coughs> that the law of supply and this implies that production higher.

अब यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट भी होगा तो भी फायदा नहीं है बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं था इसलिए आपने सप्लाई बढ़ा दिया बट यहां पे इट कैन नॉट हैपन बिकॉज द इकनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सो वॉट विल हैपन हैस इनकेस इनकेस द सप्लायर आर आर हैविंग नो इन्फॉर्मेशन सो दे विल ट्राई टू इंक्रीज सप्लाई राइट सप्लाई कैसे होगा इंक्रीज कैसे होगा फॉर दैट दे नीड टू हायर न्यू लेबर सो हायर न्यू लेबर बट क्वेश्चन मार्क नंबर वन फ्रॉम वेयर द लेबर विल कम लेबर द इकोनॉमी ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेबर लेबर कहां से आएगा तो दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द वेजेस टू अट्रैक्ट द लेबर फ्रॉम देयर प्रेजेंट वर्क जहां पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहां से आपको उठाना पड़ेगा उसके लिए आपको लेबर को ज्यादा वेजेस देने पड़ेंगे ऑल ऑफ यूर गेटिंग दिस पॉइंट सो बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू रेज द वेजेस सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द लेबर फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज और अदर फील्ड सो नाउ वेन दिस विल हैपन वट विल हैपन सो दिस विल इंक्रीज दिस विल इंक्रीज द प्राइसेज बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया cost of production rises right when the cost of production rises the prices will further rise so this will lead to a spiral this will lead to a spiral the wage price spiral here how many of you got me let me see more a very good devyani fantastic that's a cost push inflation very fantastic how is that guys अगेन यू विल से दिस इज न्यू वी हैव नॉट लर्न इट सो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फिलिप्स जब हम उसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स में डालते हैं डिड यू लाइक दैट इन केस यू लाइक लेटमी हैव मोर थम्स अप ऑन द स्क्रीन लेटमी हैव मोर थम्स अप सो इट इन केस यू थिंक दैट दिस इज नो सर वाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैर्न फॉर द फर्स्ट टाइम क्रेडिट तो बनता है दोस्तों प्लीज गिव अ थम्स अप आई कैन सी द नंबर ऑफ थम्स अप नाउ सो इट इज नॉट इंक्रीजिंग So this is why I can I, I can give you I can give you the fantastic logical answer behind this because it's a cost push inflation wages will badenge, prices will badenge, wages badenge. the labour will think oh my god the producer is earning so much and they are not paying us let's go for a strike let's go for more bargaining why they are not paying us prices wages prices wages will keep on rising and that will not lead to anywhere. Fantastic, I got the thumbs up. Thank you guys, thank you so much. Okay, moving to the next one now. So, this is all about this. So, you can see this again. I have explained this point. Moving to the next one, breakdown. <coughs> right, so breakdown of Phillips curve happened in 1973 to 75, and thereafter, 82 to 80, 82, 82. 1982 to 82, right? This was the time when again Phillips curve failed. रीजन वॉज वेरी सिंपल बिकॉज देखिए पूरा वर्ल्ड जो था दे इनिशियली ट्रस्टेड क्लासिकल्स राइट फॉर टू हंड्रेड इयर्स लाइक फ्रॉम अराउंड मोर देन वन फिफ्टी ईयर्स नॉट टू हंड्रेड इन सो इट वॉज अराउंड लाइक एटीन हंड्रेड सेंचुरी से लेके नाइनटीन थर्टी थ्री तक पीपल बिलीव इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स बट वॉट इज हैवर्नमेंट लेस एज पेयर प्रॉफिट कैपिटलिस्ट राइट क्या हुआ उसके बाद great depression of 1929-33. thereafter, the hero entered. Keynesian, keynesian economics comes into the picture. and from 1933, january, great depression of bahar nikala, 1933, 50 years, next 50 years, 1977, 1980, people believed in keynesian economics. but after this, when the keynesian economics failed to explain stagflation, that was the point of time job nahihua. And now I can show you how stagflation happened. So now you can see how flips curve broke. Right? So let me take you back to the point. So what happened? Let's see the classical point again. So what happened? Classical. So this was at the full employment. Classical is explanation. Hai, pe hai. So what happened? Prices rises. aggregate demand more than aggregate supply, law of supply nebola, key prices uh, supply baraye. But supply in not because you are already at a full employment level so that means you have to increase the wages when the wages increases so the prices also increases right and this led to a spiral so what happened hiring and firing hiring and firing The so prices bade. next time wages bade. all prices bade wages bade. so wages were so high so high that the supplier was not in a position to, to hire new labour. So they started firing people, right? So firing people at the same time, the prices were very high, right? Prices were very high. So inflation was there. But output ban raha tha right? So in case you cannot increase, you know, you were trying to in case, even if you are not going for firing people, suppose I'm I'm putting this off for the time being, wages are higher. So you are trying to increase the price increase the wages, increase the price, increase the wages so you are not firing a labor but at the same time you are not hiring more labor and output is same because because in the market market may Purana saman hai, the stocks are piling up right the stocks are piling up stocks are piling up. that is why it is piling up because of the high prices because nobody is buying it because the price is so high. So that is the concept when the stagnation was there, unemployment, employment was not growing, but at the same time, you have the inflation. So stagnation plus inflation, Keynes was not in a position to explain this point. The Keynesian economics was not in a position to explain this point. Is this clear? So that is why the Key Phillips curve failed. All of you understood now. So that is why the Keynesian, that is why the Phillips curve failed. So now you have the reason why King Phillips curve failed. Because prices wages so at the same time no new labor was taken right output was stagnant because piling up of the stocks old stocks were were because the prices were all time high and that is what the problem was ok now very soon we are going to tackle the answer of nairu and nru so this is a very interesting session this is a very fantastic topic now so we are getting into nairu so now we know फिलिप्स कप फेल्ड हो गया अब फेल होने के बाद लोगों ने क्या कहा कि शॉर्ट रन में तो लॉन्ग शॉर्ट रन उस टाइम पे तो सिर्फ शॉर्ट रन नहीं था बिकॉज इज इन शॉर्ट रन सो पीपल सेड फिलिप्स कप इज इज बोगस थिंग राइट ये गलत है ऐसा नहीं हो सकता देन मोनिटरिस्ट पर्टिकुलरली फ्रीडमेन एंड फेल्सियो और उन्होंने कहा नहीं देर इज समथिंग कॉल्ड एज टिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देप्ट राइट अब यह क्या है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है Some, uh, one question जो मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन था नायरू इज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नायरू इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऐसा कुछ क्वेश्चन था राइट इट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो नॉन एक्सिलेटिंग मतलब क्या हुआ ऐसा इन्फ्लेशन रेट ऐसा सॉरी ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि इन्फ्लेशन को लीड नहीं करता दैट इज नॉट लीडिंग टू इंफ्लेशन दैट इज नॉट लीडिंग टू इन्फ्लेशन मतलब एक मिनिमम ऐसा रेट है जिसके ऊपर ही इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप रहेगा उसके नीचे कोई रिलेशनशिप नहीं है राइट right?

रिसर्शन जब है दउटपुट इज ऑल टाइम लो दॉट लुकिंग एट द एट द कॉमेंट सो प्लीज डोन्ट पुट एनी कॉमेंट हेयर रेफर टू दो सो सपोज द इकोनॉमी जैसे मान लीजिए अभी पेंडेमिक टाइम में इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू द रिसर्शन राइट सो अभी क्या है सभी अभी सभी को पता है कि बहुत लोगों की जॉब चली गई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है सो सपोज

So, the inflation level, yahape fall ho jai Reason is because people are unemployed. Right? People are unemployed. And because of this, people lack. So, I'm I will write this point. People, let me write this. People are unemployed. People are unemployed. Number one, this leads to that people lack. Lack. पावर उनके हाथ में परचेजिंग पावर नहीं है एक्सेस so, like so सप्लाई हो गया है, हो गया है so इस में क्या होगा द प्राइस विल फॉल डाउन सो नाउ यू सी इन दिस सिचुएशन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नायरू रेट से ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट रेट एंड प्राइस के बीच में रिलेशनशिप आ गई राइट बट अगर नायरू रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो द नायरू रेट तब कोई रिलेशनशिप नहीं है इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू थ्रू विद नौ लेट सी दैट इफ द इकोनॉमी इज डूइंग वेल, राइट दैट इज मान लीजिए आई एम गोइंग टू डू इट विद्रीन कलर ओके लेट मी डू इट विद्रीन कलर सपोज इकोनॉमी इज एट द बूम पीरियड मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड आउटपुट अच्छा चल रहा है इट इज अब इज गुड राइट बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है सो नाउ योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो नायरू रेट यानी कि मान लीजिए लीजिएमेंट रेट इज एंड रेट वन परसेंट राइट इन दिस सिचुएशन विल हैपन सभी के हाथ में पैसा है राइट बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट कम है सभी एम्प्लॉयड है सभी एम्प्लॉयड है कि सभी के हाथ में पैसा है सभी की सैलरी आ रही है जो सभी की सैलरी आ रही है सभी के हाथ में पैसा है सभी डिमांड करेंगे सो दिस इज दिसन वेन योर एग्रीगेट डिमांड इज राइजिंग एट दिस केस योर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई विल बी शॉर्ट ऑफ सो इसीलिए दैट इज अचुएशन वेन द प्राइस इज विल राइज सो यू कैन सी अगेन दैट नायरू लेवल के आसपास आपका सिचुएशन यहां पे होगा सो नाउ यू कैन सी दैट फॉर्म कैन रेज द प्राइस टू मैच द रेज डिमांड ऑल्सो द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सच एज हाउसिंग कार कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो राइजेस एंड सो दैट द डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशनरी प्रेशर सो इट इज नॉट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट सो क्या गलती हुई थी ए डब्ल्यू फिलिप्स सर से क्या गलती हुई थी वॉट वॉज द मिस्टेक ही लिंक्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट विद द प्राइसेस हुआ क्या करना क्या चाहिए था एज पर ने क्या किया बहुत चालाकी से यहां पे एक कॉन्सेप्ट और उन्होंने क्या किया अनएम्प्लॉयमेंट और नायरू को कंपेयर किया तो उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप नहीं है इट इज रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड नायरू इन दोनों के बीच में कैसा सिचुएशन है वो डिपेंड करेगा प्राइस पे फेंटेस्टिक All of you through with this. Is that is it understood? I'm waiting for the comments. Is this clear? This is a fantastic segment of the of the session. Let me know. Waiting. Okay, I got the thumbs up from the Deviani. From Deviani. Fantastic. Thank you, Deviani. Okay, Shrina says okay. Great.

Let's quickly see the chain here. This is what I have already explained. I will just explain this point, this, this particular paragraph, with the help of the graph on the next slide. So let me just take you there. Yes, this is what the concept of long run Phillips curve and the short run Phillips curve. This is very important. And in case you understand this, everything will be clear. Everything will be clear. Whatever you Phillips curve part 1 will be clear. Right. Okay. B, take down your notes properly because this is the most important this is the monster of the stage one if you pass on this graph everything will be clear so now i will be keeping you, giving you the answer at the end of the explanation of this graph in nairu concept point pay natural rate of unemployment concept point pay okay so let's start our session let's start our this this discussion suppose that the economy let's suppose that the economy is at point which point a this is a starting point. So let's suppose the economy is at point A. Up you can see at point A, this is the unemployment, UN, right? And inflation is PI. Ab, suppose government thinks, or because of some political issue, or because of some 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 vote, you know elections, government says that we will reduce the unemployment.

Because aggregate demand is equal to C plus I plus G, right? So when aggregate demand rises, so what hoga. next? It will be alpha G, say income. What is alpha G? It is multiplier effect on income, right? So when income rises, basically it means that supply will rise, right? Supply rises or labor will be hired more, and when labor is hired more, so basically unemployment comes, or it can be through RBI. So suppose RBI raises the money supply, right? When it raises the money supply, what will happen? The people, the supplier will get the easy credit, cheap loan, right? Easy, easy credit, or asan Sherto loan milega. This will help them to to install new capital, new machine, new labour, right? So new labour lenge. So because of that, again the unemployment will fall. बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग अगेन द पॉइंट इज दैट जैसे ही हम पॉइंट ए में है सो वी विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अ डायरेक्शन टूवर्ड्स बी गाइज बी वेरी 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 अटेंटिव नाउ बी वेरी अटेंटिव हरीश जी मैं हिंदी में भी बढ़ा रहा हूं आप, आप सुनिए मेरी बात को बहुत तरीके से मैं समझा रहा हूं आप समझिए प्लीज ओके सो नाउ वॉट इज द पॉइंट वेरी सिंपल पॉइंट हेयर वॉट इज है क्या हुआ अब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हो गए इमेजिन करो सोचो इस सिचुएशन को एक्सपेंशनरी फिजिकल या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गया नए लेबर्स आ गए अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया द इज अ हैपीनेस इन द इकोनॉमी लोग खुश हैं, सभी को जॉब मिल रहा है राइट right? सभी को जॉब मिल रहा है लोग बहुत खुश हैं पीपल आर सप्लाइंग मोर पीपल आर प्रोड्यूसिंग मोर

Oh my God, ये देखो इन्फ्लेशन बढ़ गया यहाँ पे सो so ये पाई पाई था पाई वन हो गया सो इन्फ्लेशन प्राइसिस बढ़ गए राइट प्राइसिस बढ़ गए बिकॉज इनकम बढ़ गया बिकॉज लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ गया नाउ वेन दिल स्टार्ट डिमांडिंग अभी तक तो सब कुछ सही है पीपल आर हैप्पी दे आर प्रोड्यूसिंग मोर मतलब दे आर रेंडरिंग मोर लेबर रेंडरिंग मोर लेबर बट सूनर और लेटर अभी तो उनको जॉब मिलने की खुशी है तो पीपल आर हैप्पी बिकॉज दे हैव गॉट द जॉब अब जब सैलरी हाथ में आएगी नेक्स्ट एक दो महीने के बाद वेन दे विल गेट द सैलरी एंड दे विल गो टू द सुपर मार्केट और दे विल गो टू द मार्केट टू बाय समथिंग देन दे विल रियलाइज समथिंग कि इतने पैसे में तो इतना कम सामान आ रहा है बिकॉज द प्राइस इज ए रीजन राइट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट सो नाउ वेन दे विल गेट द सैलरी दे विल गेट द सैलरी विल अंडरस्टैंड दैट ये सैलरी बहुत कम है बिकॉज द प्राइस इज है इन द मीन वाइल जब ये प्राइसिस बढ़ गए तो क्या हुआ माई सैलरी इज लो आई केनोट बाई आई कैनॉट बाय माई मंथली ग्रॉसरी मैं अपने घर का महीने का राशन नहीं खरीद सकता विद दिस सैलरी वॉट विल हैपन नेक्स्ट आई एम बोर्ड आई एम नॉट वेरी हैप्पी नाउ सो वॉट विल है सो दिस इज द पॉइंट वेन द एंड आई विल एट द सेम टाइम द ट्रेड यूनियन हम कैसे बोल सकते हैं ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन विल बारगेन फॉर हायर प्राइस राइट वो बोलेंगे नहीं हमें ज्यादा वेजेस चाहिए हमारी मांगे पूरी करो स्ट्राइक कर देंगे सो देर विल बी अज इंक्रीज रीजन देश द वेजिस अब क्या हुआ यहां पर जब वेजेस इंक्रीज होंगे दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल हायर राइस बिकॉज वेजेस अगर इंक्रीज करके देने पड़ेंगे तो मालिक के लिए यानी कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सप्लायर के लिए इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्टिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज राइजिंग वॉट विल है अनएम्प्लॉयमेंट फायरिंग सो वेन यू स्टार्ट बार्गेनिंग फॉर हायर वेजेज द अनएम्प्लॉयमेंट विल अगेन राइजेस कब तक राइज जब तक अगेन वी आर गोइंग टू पॉइंट सी सो यू कैन सी what has happened? because of government intervention, uh, it was already at point a with pi level of information. we move from a to b, that is, along the short-run phillips curve, and then again the short-run phillips curve shifts back to the spc2. there's a shift in the aggregate supply curve. there's a shift in the short-run phillips curve. वी आर अगेन एट पॉइंट सी बट प्लीज नोट दिस हम लोग एक हायर इन्फ्लेशन पे हैं अब वी आर एट पाई टू और पाई डैश टू जैसा भी आपको कहना है सो वट हैपन अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतने का उतना ही रहा इन्फ्लेशन बढ़ गया राइट ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट हाउ इज दैट Okay, the last point of this for the day, last point. So this is what is called as okay. I'm go, I'm, go, I'm taking a different color so that it becomes very differentiating for all of you. Okay, uh, I will go for blue. So this is the people are happy when they are getting the job, but after a month's period or two months period, when they are getting they they understand, they understand ki this salary hamara and they start bargaining. This is the famous concept of adaptive adaptive <coughs> expectation. Kyunki they have learned from their previous mistake. Unko aaya ki nahin, is kuch nahi hoga. This is an adaptive expectation. That is, they have learned from their previous and the past experience. And that is why Milton Friedman is saying his short run short run short run Phillips curve will fail. And gradually we will have we will approach towards the long run again again at point c when government thinks no it is very high unemployment suppose five government later they are saying that you know we are going to reduce the unemployment again the same thing happen we will move to point d labor will revise their expectation adaptive expectation and again the firing will take place we will again reach the point e so the idea is it goes like this understand this point so we will move from like this Again, now we'll move back again. Now we'll move back again. Move back again like this, like this, like this, and like this. So, this is the movement. Finally, in the long run, the variation you see this peak, peak, jo hai, this peak, this peak, hai. this peak, this is diminishing, and when it is diminishing, it is becoming straight line after a period of time so that is why in the long run because of adaptive expectation there is no relationship between unemployment and pricing how is that all of you learned all of you enjoyed this part so now you will know that this is short run this is long run and finally i will come to your uh, in order to answer your question that who was right and who was not right कौन सा हमारा नेचुरल रेट है कौन सा हमारा नेचुरल रेट है कौन सा हमारा नॉन एक्सिलेशन रेट है आई विल जस्ट टेल यू इन द नेक्स्ट लाइट सो इज द्लियर बी माई लास्ट लाइट फॉर द डे एंड देन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन द ऑन द नेक्स्ट डे ऑसम गॉट द कॉन्सेप्ट थैंक यू थैंक यू दैट दो वर्ड्स आई लव इट थैंक यू ओके फाइन ग्रेट I believe all of you got this point and fantastically you all of you understood. So, very, very clear, shrina Good to see that. Very good. Okay. The last slide for the day and then we are done. Okay. So, this is what we are going to learn in the last slide. And, that we can talk. We all have the information now. And, let's quickly talk about the difference between the Nairu and the NRU. Basically, both of them are the same concept or the similar concept. Please don't be in a any kind of confusion. Both of them are the similar concept. Understand this, I will give you the information. So, both of them you can see that Nairu and the natural rate of unemployment are similar concept. They both reflect the level of structural employment. Please remember is a question which is which rate uh, sorry. Uh, which unemployment rate is prevailing at the full employment? It is frictional employment. It is structural un unemployment. So both of them they represent the structural un unemployment when the economy is close to the full employment. Chota sa problem hai dono beech mein, that is a short run mein, right? So let's see the Naidu concept now. This is the level of unemployment that is consistent with the no acceleration in the inflation. But if, ये वो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है राइट एंड नाइरू कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द शॉर्ट शॉर्ट रन रन फिलिप्स फिलिप्स कर्व कर्व सो यहां पे जो है इस पे नाइरू होगा बट लॉन्ग रन जो है वो एनआरयू पे होता है दैट इज अ लॉन्ग रन इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज बेस्ड ऑन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओके सो यू कैन सी दिस इफ द इन्फ्लेशन Unemployment rises inflation fall if unemployment fall there will be a point when where after this the inflation start to increase So in this case, this is six percent. This is my nairu So as per the question that I have given in the very first Or first five minutes of the session That is the point a that is my nairu, right? So this is my nairu because it's a niche When I go toward that side you can see why I'm saying that all of you, please last two minutes. So when I move from B to A to B, the short run Phillips curve is functional. But what happens when I go from B to C? There is no relationship. Understood? There is no relationship. Again, when I move from point C to D, there is a negative relationship. But when I move from C to D, D to E, there is no relationship. That is what the point is. So eventually, economy has the tendency of moving back to the Nairu, that is 6%. Natural rate of unemployment. They state they, this is basically Phillips and Phelps and the Friedman. They start they studied the natural rate of unemployment is that unemployment consistent with the steady rate of unemployment. Right? The argument of this new monetarist theory is that the unnatural rate of unemployment is independent of the rate of inflation. It is determined by the structural unemployment, that is, mismatch of the skills, frictional unemployment, geographical immobilities, and all those things.

nairu is when we are talking in terms of the short run because economy has the tendency of getting back to the natural non-acceleration inflation rate of unemployment but when we are talking about the long run that is the point where we have the natural rate of unemployment and guys i am telling you you read any book

This is the only difference now this is a very, very typical question because Milton Friedman has not come up with any kind of non accelerating inflation rate of India right this is not there. so this is something that you can think of what can be the non-acceleration this part We don't have such concept in real life, so this is basically there. Now we have to, for this, you can think of some having some kind of research where you can think of the Nairu hoga, rate of inflation. And Indian economy is getting back to this. But anyway, out of the little knowledge that I have, Kanchan, I will say that Indian economy is having somewhere around like 3.3% is what the Nairu rate of inflation in India, as per what is a limited knowledge I have. Any other question here? Good question. See, uh, good to see that. All of you, is that clear? All of you understood this point. Any doubt? Please ask me. Or is you have seen that what we have learned is basically about the adaptive expectation. If everything guys, I'm telling you, everything was If labor apna expectation revise its right? You could have seen this. Last, I will leave you with a, full, a, 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 a point of thought. Think of it. यहां गलती किसकी हुई यहां गलती हुई लेबर की राइट right? पीपल की पीपल की एक्सपेक्टेशन की लोगों की एक्सपेक्टेशन की अगर हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं करते सो हम पॉइंट पॉइंट बी बी, में खुश रहते, बी, एक ऐसा बी ऐसा पॉइंट जहां पे ऑल ऑफ अस आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट सभी के सभी खुश हैं, थोड़ा सा इंप्लेशन तो है लेकिन मैनेज कर लेंगे बट इट इज बेटर देन पॉइंट सी जहां पे Inflation बढ़ गया और अन भी बढ़ गया राइट सो आई बेसिकली बिकॉज एक्सपेक्टेशन अगर लेबर्स नहीं सोचता ये तो पीपल नहीं सोचते तो वी वेरी फैंटेस्टिक पोजिशन सभी के हाथ में नौकरी है प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है ओके इन द नेक्स्ट से Achha, by the way, ek chiz, aur last one is very important mein mein, abhi, abhi, I. I will just say that and then I will wind up the session. Just give me a second's time. Let me have a blank slide so that. Okay. Just give me a second. Okay. In the next, this is what we have. Uh, this is what the whole idea concept map. So, next session, we are going to talk about two more things. One is. Adaptive adaptive. By the way, adaptive expectation is also called as animal spirit. What do we call it? Animal spirit. Right. And we are going to criticize this with respect to the rational expectation. So, all those who have joined me late, you can see how rational expectation given by John Mood was.

come on guys this is this is this should be this should not be there if i have taught you you should give it to <coughs> is there any policy by which yes very fantastic question kanchan i will answer that question in the next session with the rational expectation if you ask me this now indeed if you answer this you will get confused when i will put the rational expectation wait for monday throw socio escape, right okay and do share this दिस वीडियो दिस पर्टिकुलर सेवन ओ कथ महाराष्ट्रिनेशन विद मैक्रो इकनॉमिक्स ऑल दो यूजी सेंट एग्जामिनेशन उनके लिए भी अच्छा हो सकता है बिकॉज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स जो आपने नहीं किए होंगे सो जॉइन मी टुमारो एट सेवन ओ कलॉक इन द इवनिंग विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेशन राइट